हेलो एवरीवन, रॉक गार्डन घूमने के बाद अब मैं यहां से जा रहा हूं चंडीगढ़ की फेमस सुखना लेक पर। सुखना लेक रॉक गार्डन से लगभग 10 से 15 मिनट की दूरी पर स्थित है और आप ई रिक्शा के माध्यम से आसानी से यहां जा सकते हैं। ई रिक्शा वाला आपसे 50 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज करेगा। यदि आपने रॉक गार्डन का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने रॉक गार्डन के वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है। मैं सुखना लेक के पास पहुँच गया हूँ। ये सुखना लेक की पार्किंग है और आगे की ओर बढ़ते हुए ये देखिए कितनी सुंदर हरियाली है। आप आगे बढ़ते जाइए, आपको ऐसे ही नज़ारे मिलते जाएंगे। सच में ग्रीनरी बहुत ही सुंदर है और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इस झील का निर्माण 1958 में शिवालिक पहाड़ियों से नीचे आने वाले पानी पर बांध बनाकर किया गया था। सुखना झील चंडीगढ़ शहर की बेहद खूबसूरत झील है जो अपने शांत माहौल और सुंदर परिदृश्यों के लिए जानी जाती है। सुखना लेक चंडीगढ़ पर्यटन का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो स्थानीय लोगों के साथ साथ चंडीगढ़ की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। झील में बोटिंग का आनंद लेते समय दूर दूर फैले पहाड़ियों के सुंदर नज़ारों के साथ साथ आप सूर्यास्त के नज़ारों का भी लुत्फ़ उठा सकेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि सुखना झील पर्यटकों के घूमने के लिए सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुली रहती है। ठंड के दौरान यहाँ विदेशी प्रवासी पक्षियाँ भी बड़ी संख्या में आते हैं जिससे यह बर्ड वॉचिंग के लिए भी एक आदर्श स्थान बन जाता है। झील के निर्मल वातावरण में आप पिकनिक, वोटिंग और मेडिटेशन के लिए यहाँ आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर वोटिंग करना चाहते हैं तो वोटिंग के लिए आपको 350 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज देना होगा और आप यहाँ सुखना लेक की वोटिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि अगर आप सुखना लेक जाते हैं तो आपको कोई भी टिकट चार्ज नहीं पे करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। आप आसानी से सुखना लेक जा सकते हैं। यदि आप डेली की बिजी और थकान भरी लाइफ से दूर कुछ समय अपनी फैमिली के साथ रिलैक्स करना चाहते हैं तो आपको पूरे एक दिन के लिए सुखना लेक जरूर आना चाहिए। यकीन माने सुखना लेक चंडीगढ़ के शांति प्रिय वातावरण और अद्भुत नज़ारे आपको तरोताज़ा कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि सुखना लेक का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब हम सुखना लेक से चंडीगढ़ के फेमस श्री मनसा देवी मंदिर में जाएंगे और अपनी अगली वीडियो में मैं आपको श्री मनसा देवी मंदिर के दर्शन कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अबाउट ट्रैवल इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ।